आपने सुना होगा कि प्रोमिसेज आर मेंट टू कीप, तो यही बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों को जो प्रॉमिस किया था कि हम लोग वीकेंड पे कोई बहुत सॉलिड सा ब्लॉग लेके आने वाले हैं, और अभी हम लोग आ गए हैं लेपर्ड हिल। अब लेपर्ड हिल में क्या है, क्या कवर कर सकते हैं अभी, बिकॉज मैं यहाँ पे नया हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो अभी हम कुछ करते हैं, कैमरा एंगल सेट्स, हम लोग कुछ सर्च करते हैं लोकेशंस आप सब लोगों के लिए। तब तक जब तक मैं सर्च कर रहा हूँ, आप लोग कॉफ़ी का मग उठाइए, लेके बैठिए रजाई में, ठंडा मौसम है, और इन्जॉय कीजिए मेरी दिल्ली से यहाँ तक की जर्नी। भाई हम जा रहे हैं व्लॉगिंग के लिए, पर बारिश तो बहुत जोर की हो रही है। हमने सैटरडे का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, अभी जिमी चाहे बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, हाँ कुछ भी आए, ये काम तो होना है। हाँ, अब ये काम होने के लिए अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, हाँ। निकलना पड़ेगा, जो कि हम निकल चुके हैं। हाँ। गाड़ी का टैंक हो रहा है खाली, हाँ। लेकिन जज्बा है पूरा, तो पहले गाड़ी का टैंक फुल कराते हैं और उसके बाद लेके चलते हैं आपको अपने डेस्टाइन लोकेशन पे, विच विल बी वेरी वेरी एक्साइटिंग, आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हो। बस सिंपल सा फंडा ये है भाई, बारिश हो जाए, आंधी तो तूफान हो, झुकेगा नहीं साला। एक बाकी ये कुछ रोड्स हैं गुड़गांव जाने का, ऐसे देखने मज़ा नहीं आएगा, तो सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाते हैं रोड्स का। बाकी हम पेट्रोल तो भरवा लेते हैं और उसके बाद आप इंजॉय करें। दिल्ली से सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव करके हम लोग पहुंचे लेपर्ड हिल्स, और यहां पे पहुंचने के बाद का नज़ारा इतना अलग था कि हम भूल गए कि ये एरिया दिल्ली NCR में ही आता है। यहां की हवा में जो ताजगी थी, यहां की साइट सीइंग जितनी ब्यूटीफुल थी, और यहां के मौसम में जो ठंडक थी, उसको देख के आपको लगेगा कि आप अपनी ड्रीम लोकेशन पर आए हैं। माहौल ये है कि यहाँ पे हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड, टेम्परेचर शायद 3-4 डिग्री कम होगा दिल्ली से। तो हम एंटर करने वाले हैं लेपर्ड हिल की चढ़ाई, आई होप यू कैन सी दैट, सो इट इज़ टू गुड। आपको अभी सिनेमेटिक वाइज भी मिलेंगी इस जगह की, लेकिन अब क्योंकि ठंड है और हाईवे भी है और ढाबा भी है, अभी आपको दिखाने वाले ढाबा। और अगर हाईवे पे ढाबे पे रुको और चाय ना पियो, तो ढाबे पे आने का कोई फ़ायदा नहीं और हाईवे पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। So, मजे करते हैं जरा चाय की चुस्की लेके, कुछ करते हैं खुद को गरम, और फिर आपको आगे लेके चलते हैं। Stay tuned, बने रहना, बहुत मजा आने वाला है। ईडी ने बिल्कुल सही कहा कि ढाबा और इधर का कनेक्शन ना रोडवे से कनेक्शन बिल्कुल सेम होता है। तो हम उतर गए चाय पीने के। वैसे चाय पीने का सीन क्या है, किधर है चाय? देखो यार, चाय पीने का सीन ये है जी, हम चाय की गर्माहट लेते हैं, आप हमारे एक्सपीरियंस गर्माहट लें। आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। या स्टे ट्यून्ड गाइस, प्लीज एक्टिंग देख रहे हैं, मतलब कमाल का एक्टिंग चल रहा है भाई। ये दो चाय कुल्हड़ वाली और एक अच्छी मैगी बटर वाली, ठीक है? अच्छा बटर डालना, मैगी बटर, हाँ मैगी बटर डालना है, और चाय होनी चाहिए बहुत अच्छी कड़क। कैसी होनी चाहिए? बहुत कड़क, ऐसा निकलेगा धुआं निकाल दे एकदम ना, मतलब मैगी शानदार होनी चाहिए। ये जो आपका लोकेशन है, ये बहुत अच्छी लोकेशन पे आपने बनाया है, तो लेपर्ड हिल यहाँ से कितना दूर है? लेपर्ड हिल से सर आपके पीछे बस। और यहाँ की एंट्री कहाँ से होगी? यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, यहाँ से होगी। अगर आपको लेपर्ड देख ले तो आपको ऊपर चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 4 किलोमीटर ऊपर एक पॉन्ड है बहुत बड़ा सारा, वहाँ पे आपको लेपर्ड
और आपका लक हुआ तो बाघ शेर भी दिख सकते हैं। ओके। और ये जो रास्ता जा रहा है गांव में जा रहा है, कुछ चार पांच कैफे बने हुए हैं। अच्छा, तो मेन ये है? मेन ये है। ओके, और ये आपका जो है ये किस नाम से है? ये नेक्स्ट लेवल फूड पॉइंट। नेक्स्ट लेवल फूड पॉइंट है ये, बहुत कूल सा एक स्पॉट है। अगर आपको लेपर्ड हिल के ऊपर चढ़ना है तो बिल्कुल कॉर्नर पे आपको मिलेगा। अगर इससे आप स्ट्रेट जाएंगे तो आपको गांव के अंदर एंट्री हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लेपर्ड देख रहे हैं, इफ़ यू वांट टू सी लेपर्ड, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे रुक के कुछ हॉल लो, चाय पियो, मैगी खाओ, अंडा भुर्जी खाओ। साइकिल भी रेंट पे, हाँ इनके यहाँ साइकिल भी रेंट पे मिलती है, अगर आपके अंदर हिम्मत बच रही हो साइकिल चलाने की। तो मेरे अंदर तो नहीं है बाबा, मैं तो पैदल जाएगा। बाकी इस रेस्टोरेंट का या इस स्टॉल का एक खास बात ये है, सोचा था मैंने देखा था कि रेट्स बहुत हाई है मैगी और चाय का, बट यहाँ का रेट्स बिल्कुल वही वाला है जो हमें दिल्ली में मिलता है। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। तुम्हें मजा आ रहा है पीने में? बिल्कुल मजा आ रहा है, एक नंबर देसी माल है बिल्कुल। आप भी ट्राई करो, ऊपर से ठंडा का ठंड का वाला भैया, ठंड में ना तुक्का का तो मजा है भाई साहब, वो किसी और चीज में है नहीं, एक नंबर। तो भैया मौसम है एक नंबर, और अगर इस मौसम में उसका मिले ना तो एक ट्राई तो बनता है। वैसे मैंने उसका भी ट्राई नहीं करा, नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या निकलता है। ओ भाई एक नंबर, बस 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 भाई। तो भैया बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुँच गए फाइनली। वी आर एंजॉयिंग दिस टी और मैगी। मतलब हम चाय के बारे में सोचे थे पर हमने सोचा ही नहीं था कि आप पहाड़ी वाले रास्ते में हो और मैगी ना खाओ, मतलब फिर मैगी का मतलब रेस्पेक्ट हमने नहीं करा, तो हम मैगी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मैगी खा रहे, तो मैगी खा लेंगे, खत्म कर देंगे आज, खत्म कर देंगे। हम तो मतलब ब्लॉगर बनने आए थे, पर अब पता नहीं किस्मत है क्या कनेक्शन है कि हम धीरे धीरे फूड ब्लॉगर ही बनने वाले हैं। मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि भैया आप मेरे खाना आके चखो और बताओ कि खाना कैसा है, तो अभी नेक्स्ट शॉट जो होगा ना, हम खाना चखेंगे और आपको बताएंगे खाना कैसा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चैनल क्रिएट करने के बाद और ट्रैवल करने के बाद बहुत सारे लोगों ने हमसे कनेक्ट करना शुरू किया जी, तो अभी जहाँ पे हम चाय और मैगी खा रहे हैं सिर्फ अपने फ़न के लिए, वहाँ पे पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड। सो द ऑनर उसने हम लोगों को इनवाइट किया कि प्लीज़ आप हमारे यहाँ पे आइए, और मेरे पास जो रेंज है आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। उसको पता है सोशल मीडिया की जो पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, और हम लोग अगर मस्ती कर रहे हैं और किसी का बेनिफिट होता है तो आई बी वेरी वेरी हैप्पी विद दिस। एंड वी हैव गॉट 5 or 6 सब्सक्राइबर्स फ्रॉम हेयर एज वेल, उन्हीं लोगों ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि शायद हमारा हार्डवर्क अब काम आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो ये आई होप चलता रहेगा और हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ती रहेगी। हम लोग बहुत जगह जाएंगे घूमने के लिए और बहुत सारे दोस्त बनाने वाले हैं। हमारे दो मैगी है और चार चाय है। ये चल रहा है अच्छा, हां अरे फिर शर्ट को लीजिए, आपके 240 हो गए। कैसा टेस्ट लगा सर आपको? टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा मैं एक चीज और बोलना चाह रहा था, जैसे तुम्हारी शॉप का मेरा नेक्स्ट लेवल, अच्छा जी दोस्त वैसा ही टेस्ट है इनके खाने का भी, हमने मैगी ट्राई किया है, और तुम्हारे पास कुछ और ऑप्शंस भी है क्या? हमारे पास हमने नए आइटम ऐड किया है, बिरयानी। ओके, हां जी ये है कोलकाता बिरयानी। अच्छा कोलकाता की बिरयानी, बिल्कुल। तो लेकिन ऐसे वाले ठेले मैंने बिरयानी का भी एक्सपेक्ट नहीं की, बिरयानी कैसे लोगों की डिमांड के ऊपर किया? अच्छा वो कहते हैं आपके पास सिर्फ चाय मैगी कुछ ऐसी चीज हो जिससे लोगों का पेट भर जाए, अच्छी चीज हो खाने। हाँ क्योंकि वैसे भी जिमी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, हो सकता है लोग यूपी से भी आते हो, हरियाणा पंजाब दिल्ली सब जगह से आते हैं, तो अगर ऐसे लोकेशन पे एक एडिशन आपको मिल जाता है पॉइंट
जहाँ पे आपको एक स्पेशल खाने को मिल जाए, तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। तो क्या ये जो मैं देख रहा हूँ ये यही है बिरयानी? हाँ ये सर, ये क्वालिटी की है बिरयानी, बढ़िया क्वालिटी, बेस्ट बेस्ट से बेस्ट है। तो ये आपने ये फ्रेंचाइजी लिया? बिल्कुल जी, फ्रेंचाइजी ली मैंने, और ये पनीर बिरयानी। अच्छा ये पनीर बिरयानी है। और इसका कॉस्ट, इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट 270 फुल, फुल बिरयानी मिलती है 270 रुपए की। दैट इज गुड, दैट इज गुड। आपको ब्रांड टेस्ट कराऊं? नहीं, पर हाँ अगर वो टेस्ट कराना पड़ेगा तभी हम लोग मानेंगे अच्छी है। आप एक बार टेस्ट करो आप बिरयानी आप हमारी। भाई लोग अभी इस बिरयानी को करते हैं टेस्ट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी लोकेशन में बिरयानी मिलेगी, दैट टू पनीर बिरयानी एंड दैट टू कोलकाता पनीर बिरयानी। तो इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं इसका क्या लेवल है। तो बिरयानी का जो अरोमा होता है, जो खड़े मसाले होते हैं, वो इसमें दिख भी रहे हैं, जैसे लॉन्ग है तो इट इज़ क्वाइट विजिबल। और जो इसका अरोमा है तो इट इज़ देयर, इट इज़ एक्चुअली अ गुड बिरयानी। एक एक चावल अलग अलग है। और ये है इसका स्पेशल चीज, ये भैया बिरयानी तुम्हारी एक नंबर है, एक नंबर बिरयानी है, बहुत मजा आ रहा है, क्वालिटी का ये। तुम्हारा जो शॉप का नाम है नेक्स्ट लेवल, ये डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल है। कोइंसिडेंटली द बिरयानी हब के फाउंडर्स ने हमें वीडियो शूट करते हुए देखा, देन दे रिक्वेस्टेड अस कि वो अपने ब्रांड के बारे में हमारे चैनल के थ्रू आप सबको बताना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट देमसेल्व्स। We have just began today, so okay. It's just a soya paneer biryani what we are offering, and hopefully if the response is good then we'll start with chicken biryani. So, we are like into this business for the past 10 months. We are also on Zomato. Okay. The biryani hub sector 83. We'll definitely support your biryani. जितना भी हो सकेगा हमारे तरफ से हम लोगों को भेजेंगे। Thanks a lot. Thanks so much. ठीक है, और बाकी बिरयानी वाकई बहुत tasty था। और अगर हमारा चैनल के नाम से कोई आता है तो प्लीज डू गिव सम डिस्काउंट्स, और डिस्काउंट दे देना। दिस नेम इज बिरयानी हब एंड इट इज लुकिंग टू यमी। बिरयानी बनाना भी टफ है और उसको प्रिजर्व करना इज आल्सो वेरी वेरी टफ, और क्योंकि आप ऐसे हॉकर्स प्लेस पे बेच रहे हो तो इसका शेल्फ लाइफ शुड आल्सो बी वेरी हाई, राइट? ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो भैया मुझे स्पेशली लेपर डिल के बारे में ज्यादा पता नहीं था, मुझे लगा था कि हम गाड़ी में चढ़ेंगे ऊपर तक, बट हम अभी ऐसे चढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसा रास्ता है, और जो भी हमने अभी मैगी और बिरयानी खाया ना, बेटर है। यहाँ क्या शॉट सर, आप एक फ़ोटो लेते हैं, ये शॉट आप देख रहे हो, अब यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा कुछ फोटोग्राफी सा, ताकि हम थंबनेल में डाल सकें। भाई लोग अभी हम लोग पहुंच गए लेपर्ड हिल। इसका ट्रेल इज़ लाइक थोड़ा सा टफ, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गाड़ी चली जाएगी, बट गाड़ी जाने का स्कोप मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि देखो ट्रेल ऐसा है खतरनाक। और अपने पास है कैटरीना कैफ वाली गाड़ी, होंडा सिटी, वेरी फ्रेजाइल, मेड फॉर हाईवेज ओनली। गाड़ी कैटरीना कैफ वाला हम रहे सलमान खान। तो भाई शादी तो विक्की कौशल के साथ हो गया, तो हमारे तो जच ही नहीं बता क्या बोलूँ, बिल्कुल नहीं जच रहा है। लेकिन लोकेशन बहुत शानदार है, मज़ा आ रहा है। आई होप यू गाइस आर आल्सो एंजॉयिंग दिस, डिफरेंट है। अच्छा सुना है कि यहाँ लेपर्ड भी आ जाता है, तो मैंने जिमी को बताया कि लेपर्ड आ सकता है, तो जिमी कहता है मैं भागूंगा। आई एम नॉट श्योर कि भागना चाहिए, भागना चाहिए कि रुकना चाहिए, ये आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना कि हमें भागना चाहिए कि रुकना चाहिए। मेरे को तो वो डिवाइन वाला गाना याद आ गया, वो भाग 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 आया शेर, आया शेर वो वाला। यार ये कहाँ जा रहा है लड़का? ये है कुछ नजारे, और हम बिल्कुल खुला सांड की तरह, काला भैंसा की तरह चल रही है। जो ट्रेल है ना, ये मुझे लगा था कि गाड़ी के लायक होगा, लेकिन बाबा हालत हो रही है खराब। यहाँ पे मुझे अपनी स्कॉर्पियो याद आ रही है। Yeah.
बहुत मजा आ रहा है। आप लोग एक शॉट देखो कि हम कहाँ पे हैं। जी प्लीज भैया, जो लोग है ना कश्मीर जाके बोलते हैं मुझे जन्नत मिल गया, आज मेरे को जन्नत मिल गया इधर, मतलब टू ऑसम यार, मतलब सारे वाइब्स टू गुड, मजा आ रहा लाला, बहुत मजा आ रहा है जिस काम के लिए हम लोग यहां पे आए थे। सो आई थिंक वी आर सक्सेसफुल इन दैट, सो वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। बहुत अच्छी लोकेशन है, मिनी मसूरी जिसे बोला जाता है, बिल्कुल ये सब मैं नहीं कहता हूं, ऐसा लोग कहते हैं। तो भाई लोग वो बोलते हैं ना कि लाइफ इज ऑल अबाउट मेमोरीज, लेट्स कैप्चर इट। सो मैं निकल गया हूँ कैप्चर करने के लिए। हम आए लेपर्ड हिल के ऊपर, बहुत शानदार ट्रैक है, मज़ा आ रहा है। आई होप आप लोगों को ब्लॉग देख के मज़ा आ रहा होगा। तो बस कीप जॉइनिंग मी, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। दो ड्रोन शॉट्स अभी पेंडिंग है, हवा बहुत तेज चल रही है तो ऐसा ना हो कि हमारा ड्रोन उड़ जाए। तो अभी देखते हैं, जैसे टाइम मिलेगा हम लोग ड्रोन शॉट्स लेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या किया हमने। तो भैया अभी हम लोग ट्राई करते हैं ड्रोन शॉट्स लेने की, क्योंकि अब इतनी दूर आए हैं और आपको प्रॉमिस किया कि ड्रोन शॉट्स मिलेंगे, क्योंकि ये मेन ब्लॉग है। और ड्रोन जब खरीदा है, ड्रोन शॉट्स नहीं लिए और ड्रोन शॉट्स नहीं ऐड किए, तो ड्रोन लेने का क्या फ़ायदा। तो आज वो लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है सर कि ड्रोन से फ्लाई करना सेफ नहीं है। आई थिंक सो, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है। जिमी आई टोल्ड यू, तेरा जज्बा जो है ना वो ड्रोन फ्लाइट से ज़्यादा ऊँचा है। बारिश नहीं हो रही है, धूप भी आई, मतलब जान चला जाए पर ड्रोन को कुछ ना होगा। ड्रोन को कुछ नहीं होगा। आज हम इसमें भी एक रिस्क लेंगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो हम लोग अच्छा काम करने वाले हैं। तो आई होप यू लाइक आवर ड्रोन शॉट्स। बस अब नेक्स्ट शॉट जो होगा वो ड्रोन शॉट का होगा। Shouldn't hang on to the way you used to feel about You could just be friends if you forget about me. And all this shit that we've been through, you can't just say I'm sorry, but I'm sorry. You shouldn't hang on to the way you used to feel about me. भाई दिल का धड़कन बिल्कुल तेज हो गया भाई मेरे, ये ड्रोन अगर गया ना, नीचे रख थोड़ा नीचे रख। हाँ भाई बहुत 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 तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है सर। नीचे ले फटी हुई है सर, इतना तो मेरे को मैथ्स के एग्जाम में डर लगा। मेरे को आज के डेट में मैथ्स के एग्जाम में मेरा डरने लगा, जबकि मैं सबसे वीक था मैथ्स। लेकिन जिमी मेरे साथ है तो तुझे बहुत तगड़े काम करने पड़ेंगे। ये बात है। नीचे ओ मैं कैब भी अब से पता करा कितनी तेज हवा चल रही है। हाँ भाई
And this was the great journey of Leopard Hills. I hope you all had enjoyed the drone shots and the overall journey with us. You shouldn't hang on to the way you used to feel about me. You know that we could just be friends if you forget about me. All this shit that we've been through, you can't just say I'm sorry, but I'm sorry. You shouldn't hang on to the way you used to feel about me. अपने अपने व्हीकल से कोई छोटी गाड़ी से आ रहा है i20 पीछे जा रही है. पीपल आर एक्चुअली कमिंग हियर टू एंजॉय देयर लेजर टाइम इन वीकेंड्स. सो मज़ा तो आ रहा है लोगों को, हमें भी आ रहा है. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरी वन टू कम टू दिस प्लेस वंस. एक बार आप लोग आओगे तो यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद दिस प्लेस. बहुत पास है गुड़गांव से, मुश्किल से 15 मिनट का रास्ता होगा. तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो. यू कैन हैव फन विद योर फैमिली फ्रेंड्स. और ठीक है, ज़िंदगी की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप लोग कुछ अलग करें तो इट रिफ्रेश योर माइंड. और अच्छा है लाइफ के लिए भी, अच्छा है. यू गैदर सो मैनी गुड मेमोरीज ड्यूरिंग दिस टाइम. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू come to this place. I hope you have enjoyed it. So finally, Leopard Hill से निकलने से पहले आपको दिखाते हैं कुछ final drone shots. बाकी एक बात बताओ, ये ड्रोन शॉट कैसे लेंगे? जैसे तेरा जज्बा उड़ रहा है ना ऊपर, ड्रोन भी उड़ेगा आई गारंटी. बारिश आए या बादल फट जाए, बस ड्रोन शॉट मिलेगा. ड्रोन शॉट ना बहुत जरूरी है, तो बिल्कुल मतलब सारे पैसे ड्रोन शॉट के ही है.